अगर तुम्हारे जैसों की बददुआएं लगना शुरू हो गई ना तो हम जैसे कब से इस दुनिया से खत्म हो चुके होते। कहाँ मिलना है? वही तुम्हारी फेवरेट जगह। कैसी हो शजा? मिसेस मीसम। मिसेस मीसम का होना वफा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शौहर को ट्रैप करने की कोशिश करोगी और मैं तमाशाई बन के तमाशा देखती रहूंगी? नो, नॉट दिस टाइम, क्योंकि इस दफा तुम्हारा शिजा से नहीं मीसम की बीवी से पाला पड़ा है। शौहर है ना, इसलिए इतना इनसिक्योर हो रही हो और ऐसे यहां उसे मुझसे मांगने आ गई है। अगर मेरी तरह मीसम की महबूबा होती तो ऐसा ना करती। मान लो ना, अब मान भी लो कि मीसम आज भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। और जहां तक बात रही मीसम को तुमसे छीनने की, तो छीना तो उसे जाता है जो कभी आपका हो। मीसम तो ना कभी तुम्हारा था, ना है और ना कभी होगा। गलत, गलत कहा तुमने पापा। मीसम तो तुम्हारा ही था ना, लेकिन देखो मुझे मीसम को तुमसे छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे बनाए गए हुए रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अपनी मोहब्बत पे डाउट होने लगा है तुम्हें? इंसान की अक्ल जब मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। लेकिन एक बात का तुमने मुझे यकीन दिला दिया आज कि अब मैं जो करने जाऊंगी ना, उससे कितने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगेंगी। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, मेरे शौहर से दूर रहो। ये तो नहीं हो सकता यार, लेकिन अगर तुम में दम है ना तो मीसम को मुझसे छुड़वा के दिखा दो। चैलेंज एक्सेप्टेड। दो बातें सुनती भी जाओ। पहली ये कि गधे पे किताबें लादने से वो आलिम नहीं हो जाता, और दूसरी पहले तो मैं वार पीठ पीछे करने वाली थी, लेकिन अब मुंह पे करूंगी। तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी, और तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं भीख में भी माफी नहीं दूंगी। सुनिए। क्या हुआ? अरे उठ गई हमारी नई नवेली दुल्हन, सुबह सुबह। प्यास, प्यास लग गई है मुझे। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो ये घर भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा, जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो करो, हम तो सिर्फ तुम्हारे हुक्म को गुलाम हैं। बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नियाज, आप रहने दीजिए, अभी तो आपने कहा ये घर मेरा है, तो मैं खुद जाके पानी पी लेती हूँ। ठीक है, फ्रिज बाहर रखा हुआ है, जाओ पी के आओ। Thank you.
दोनों भाई, जैसे दीदा दिलेरी से मेरे घर में दंदनाती फिर रही हो। न्यास की बीवी, अब्बा की बीवी जो अंदर सो रहा है। हाथ भी ठीक है, पांव भी ठीक है, आंखें भी ठीक हैं। अरे तो फिर कौन सा ऐप था जो मेरे बाप से शादी कर ली? ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब कौन सा ऐप? ए वही ऐप जो बेबाक लड़कियों में होता है। अरे जिन्हें माँ बाप अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इसी तरह किसी बुड्ढे के साथ ब्याह देते हैं, जैसे तुझे ब्याह दिया है। और हाँ, इस घर में आ गई हो ना तो एक बात कान खोल के सुन, ये जो जबान है ना, ये 32 दांतों के बीच में दबा के रखना है, और अब्बा को मेरे खिलाफ करने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? चलो अब जल्दी से जाओ, मेरा नाश्ता बनाओ। 4 अंडे 2 पराठे खाता हूं मैं, चलो। अरे अब बुतबंदी क्या करी हो, अब्बा से कह के तुम्हारे लिए भी नौकरानी मंगाऊं? चलो फरान, तमीज से। माँ है ये तेरी। लो भाई, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। अरे अब्बा, एक ही अम्मा थी मेरी जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब ये महारानी तुम्हें प्यारी होगी, मेरी तो बस ये नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। की बातों को बुरा नहीं माना, वक्त के साथ साथ ठीक हो गए। अरे तुम्हें क्या जरूरत है उस नामुराद पर यकीन करने की? क्यों भरोसा किया उसके ऊपर? हमें पता नहीं अरीबा कैसी होगी, गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। गुनाह तो मुझसे हुआ है अपनी बहन को धुतकारते हुए, और मैंने कौन सी अच्छी तरबियत की अपनी औलाद की? तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया फरहान। एक दफा की ठोकर काफी होती है इंसान को संभलने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस मट्टी के बने हुए हो। तुम्हारे दिमाग से अभी तक वफा का भूत क्यों नहीं उतर रहा? कुछ तो होश के नाखून लो, कुछ तो अपने दिमाग से काम लो। वफा ने तुम्हें अपना मोहरा बना के अपनी बहन को बेच डाला, और तुम बुद्धू उसकी बातों में आ गए। इससे तो अच्छा होता कि शराफत उसे ब्याह देता, इस तरह तुम्हें अरीबा की बद्दुआएं तो न लगती। अरीबा मुझे बार बार बोलती रही कि वफा जी भरोसे के लायक नहीं है, मैंने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से सब कुछ तो बोल दिया। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, अरीबा के साथ ठीक नहीं क्या होता है? बस एक बार वफा जी मुझे मिल जाए, पूछूंगा जरूर क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया? अब इस घर में बोझ की शक्ल कब देखने को मिलेगी? शराफत, वो मैं कह रही थी कि मुझे अरीबा के पास ले जाओ। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ ब्याह दिया मेरी बेटी को, कहाँ है उसका घर, ससुराल कहाँ है? खुदा का वास्ता मुझे वहां ले जाओ शराफत। ले जाऊंगा ले जाऊंगा। अबे अभी क्यों आठ सुबह आ रही है तू? तेरी इसी मनुष्यत की वजह ना मेरे घर से रिस्क उड़ाए। अगर इस बार ऐसा बना तो तुझ पे दूसरी ला के मुसल्लत कर दूंगा, फिर जेलना सारी जिंदगी अपनी सौतन के जुल्म। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तो बहुत फिक्र हो रही है रीमा की। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बोले ना तुझसे,
अबे दिमाग चल गया तेरा, बोला ना ठीक है वो खुश है, ऐसे जिंदगी गुजारेगी, अब क्यों दिमाग चाट रही है मेरा क्यों? अच्छा एक बार उसके घर ले जाओ मुझे, बस मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तो मर्दों को पाँव पकड़ने का मर्दों का बड़ा शौक होता है, है? पकड़ मेरे पाँव, पकड़ मेरे पाँव, लेकिन बताऊंगा फिर भी नहीं। अब बड़ी बड़ी क्या देख रही है, पाँव पकड़ना। अबे हटा, अरे खाना जहर कर दिया मेरा, दिल करते तुझे जहर दे दूं मैं। अबे इतनी मुश्किल से हम दो अजाबों से जान छूटी है मेरी, तुझसे कब छूटेगी? मेरा ख्याल नहीं है शराफत, मेरी ममता का ही लिहाज कर ले आप। ले जाऊंगा, कल मुझे एक जरूरी काम है, परसों मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। अब अगर तेरी इजाजत हो तो खाना खा लूं। तुझे क्या लगता है तू इधर बैठी होगी तो मैं सुकून से खाना खा लूंगा? अपनी शक्ल घूम कर ले। तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी और तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं भीख में भी माफी नहीं दूंगी। हाँ भाई, क्या बात है, तुम्हें इतना परेशान क्यों लग रही हो? और तुमने मुझे बताया नहीं वो वफा ने क्या कहा? वफा के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, पुर एतमाद, जैसे हमारी खंजर से हम पर वार करने वाली हूं। क्या हो गया शिजा? उसकी पहुंच जो है ना वो सिर्फ मुझ तक है और वो मेरे ही जरिए इस घर में आना चाहती है। सच कहूं मीसा, आज वफा से मिलने के बाद मुझे वाकई डर लगने लगा है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने में कामयाब तो नहीं हो जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हो? हमेशा मुझे हौसला देने वाली आज अपना ही हौसला हार रही है। जिंदगी एक ही बार मिलती है मीसा, और मौत करीब आने पे हर इंसान हिम्मत हारने लगता है। एक बात बताओ, Do you trust me? I do. तो फिर तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आज तुमने उसका सामना किया है ना, कल भी वैसे ही करेंगे। So don't you worry about anything. वो बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Just forget about it, clear your mind. तो खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अपना मूड ठीक करो, बाहर सब खाने पर हमारा इंतजार करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असद। जी जी मम्मी। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? खाता हूँ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है मम्मी, बस वो ऑफिस से रिलेटेड कुछ मसले होने के बारे में सोच रहा था। मैं बिरयानी डाल दूँ? नहीं बिरयानी नहीं। अच्छा सालन ले लें? नहीं सालन भी नहीं चाहिए प्लीज, थैंक यू। डैड, डैड आप बिरयानी भी नहीं ले रहे हैं, सालन भी नहीं खाना आपको, आप भूखे रहेंगे क्या? प्लीज कुछ तो लीजिए, स्पेगेटी। नहीं बेटा दिल नहीं है ना। क्या असद भाई आप भी ऑफिस की टेंशन लेकर बैठ गए,
बिरयानी खाएं, आपकी फेवरेट है। मैं कह रही हूँ आपको खानी पड़ेगी, थोड़ी सी मैं देती हूँ। चले थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी। ये हुई ना बात, थोड़ी और थोड़ी। नहीं रायता, आई गेस एसिडिटी करेगा, छोड़ दो। जूस? जूस ना, जूस नहीं यार, जूस नहीं यार। ठीक है, कुछ नहीं होता, फ्रेश बना हुआ है। सिर सिर डाल दूं? As you wish. Anybody else? खाए ना? कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाते हैं, तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मज़ीद बेहतर बना दे। असद भाई, क्या हो गया आपको? इतनी खूबसूरत चांदनी रात और आप यहाँ, और वो भी अकेले। सब खैरियत तो है, और भाभी कहाँ हैं? सो गई है। सो गई है? असद भाई, जहां तक मुझे याद है ना, आपके होते हुए भाभी आपसे पहले कभी भी नहीं सो सकती। आज के बाद याद रख। असद भाई क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मेरा पूछने का मतलब है कि क्या आपके और भाभी के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? क्या हो गया तुम लोगों को? सब लोग बस एक ही सवाल किए जा रहे हैं। हजार बार बता चुका, ऑफिस के भी बहुत सारे मसले होते हैं यार। प्लीज प्लीज मीसम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंद करो ये फजूल बातें। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप खुद ही तो कहते हैं ना कि ऑफिस के मसले मसाइल ऑफिस तक ही अच्छे लगते हैं, तो फिर आप खुद ही मुझे बताएं कि भाभी से या घर वालों से आप क्यों उलझ रहे हैं? वक्त नहीं सम, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं है। कभी कभी इंसान को खुद से जुड़े हुए रिश्तों के अलावा भी सोचना पड़ता है। जज्बात में किए गए फैसले कभी कभी गलत साबित हो जाते, जिनको सुधारने के लिए हर पहलू से सोचना पड़ता। तो असद भाई, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जज्बात में आकर ऐसी कौन सी गलती कर दी है आपने? कोई गलती नहीं हुई है मीसम, और तुम सब लोग मुझ पर तवज्जो देना बंद करो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है तुम लोगों। असद, मैंने क्या हुआ? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? यही कि आपकी जिंदगी में सबकी अहमियत है, मीसम की, मम्मी की, लाइबा की, शिजा की। मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ आपकी जिंदगी में? सुने ना, फिलहाल मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सो प्लीज। बात बहस की नहीं है सर, बात मेरी वैल्यू की है जो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं तुम्हें दिन रात बेइज्जत करता हूँ? बेइज्जत नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे? लिसन, सुने ना प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद तुम मेरी परेशानी का बाइस मत बनो प्लीज। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। बल्कि रुको, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही यहाँ से चले जाता हूँ।
तो आराम कर, सो जा। अंदर आने को नहीं कहेंगे क्या? नहीं सर, प्लीज, कुछ लम्हात जिंदगी में चंद पल के लिए ही आते हैं, उन्हें हर वक्त में तलाश मत कीजिए। सर, मैं यहाँ आपसे बात करने आया। बात करने के लिए बचा ही क्या? एक आपके कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता सर, हमेशा की तरह आप आज भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो शायद आपको समझ भी जाऊं सर, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं समझेगी, और आप ये सब समझने से कासिर हैं। दुनिया की इतनी फिक्र क्यों है आपको सर? क्यों? क्यों? आपको नहीं है फिक्र दुनिया की, सोसाइटी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं इस दुनिया की, सोसाइटी की। ये तो बस तमाशा देखने की, दैट्स व्हाट आई थिंक। जो 2 घंटे का शो देकर अपने घरों को वापस लौट जाएगी, भुगतता कौन है? भुगतता कौन है, आप या मैं? कौन? तो यहां हमेशा के लिए साथ देता भी कौन है? लोग तो जनाजे में भी कांधे बदल लेते हैं। देखिए सर, इंसान का दिल अगर सख्त हो जाएगा तो फिर इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। प्लीज अपने दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा कीजिए, प्लीज। इस दिल की सख्तियों पे मत जाइएगा सर, कुछ उदासियां ऐसी होती हैं जिनमें इंसान किसी को चाह के भी शामिल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे इस बात का एहसास है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं यहां आपसे माफी मांगने के लिए। अब अगर आपने मुझे माफ नहीं किया सर, तो मेरा जमीर भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं सर, आप प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें, और वैसे भी दोस्ती और रिश्तेदारी तो बराबर के लोगों में अच्छी लगती है। मैं ना तो आपके बराबर खड़ी हो सकती हूँ, ना ही आपसे कदम से कदम मिला के चल सकती हूँ, इसलिए मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं, मुझे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि चांद की और सूरज की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सर, मैंने आपके साथ सिर्फ एक भलाई की है, उस भलाई को लेकर आप इतना सीरियस हो गए हैं, क्यों? क्यों भलाई? आप जानते हैं कि आपकी ये भलाई मेरी किरदार पे कितनी उंगलियां उठा सकती है? नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से लेके ऊपर अशरफ भाई तक को पता है कि आप मुझसे इस घर में बगैर किसी रिश्ते के मिलने आते हैं। आपका दिल साफ है, मेरा दिल साफ है, लेकिन इन लोगों के दिलों में जो चोर है उनकी बदगुमानियां मैं कैसे दूर करूं? और
ऑफिस। कल को जब आप ऑफिस में मुझसे हंस के बातें करेंगे तो लोग 100 सवाल उठाएंगे, जवाब दे पाएंगे आप अपने सवाल? नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए रहने दीजिए सर। हम औरतों की इज्जत ना बिल्कुल कांच की तरह होती है, और कांच अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा कभी जुड़ता नहीं। इज्जतों के मीनार खड़े करने वाले कभी उस मीनार की कुर्बानी नहीं दिया करते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या? रहने दीजिए सर, आप समझेंगे। आप कहकर तो देखिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। निकाह कर सकते हैं मुझसे? मुझे इज्जत, मान, हैसियत दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, इसलिए रहने दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको मेरे और अपने रिश्ते की असलियत बता रही थी। कल तक आप मेरे मोहसिन बन के मेरी दवा की फिक्र कर रहे थे, मुझे प्रमोशन देना चाह रहे थे, और आज जब बात शरह हैसियत की आती है ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। जैसे इस वक्त आप अपने ही फैसले में उलझ के रह गए, लेकिन मेरा ईमान बहुत मजबूत है सर, मुझे हकीकत में रहना पसंद है, और मैं उसी में ठीक हूं। नहीं सर, मुझे इन झूठी तसल्लियों की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं जानती हूं कि मैंने जो सब भी कहा उसके बाद आप शायद आज के बाद कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, इसलिए प्लीज आप चले जाए यहां से। प्लीज जाइए। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। मेरी मजबूरी कैसी है दूरी, है मजबूरी कैसी ना चाचा? लगा शुक्र है बेटा। नहीं आप खाओ। अरे खाओ खाओ यार। नहीं आप खाओ। चाचा कुछ मालूमात चाहिए थी आपसे। मुझसे? किस बारे में भाई? 104 नंबर फ्लैट, इसके बारे में। कौन आता है, कौन जाता है, कौन लड़की किस वक्त जाती है, किस वक्त जाती है, किसके साथ होती है, किसके साथ नहीं होती। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ किसी के बारे में? सही बात कर रहे हो, बेवकूफ है, अभी जान जाओगे। नहीं 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 नहीं, अबे ड्रंक चाचा, अपने पकड़ लो, कौन देख रहा है तुम्हें, डालो जेब में। तुमने कौन सा खून की रिश्तेदारी निभानी है? एक
104 नंबर फ्लैट में बेटी रहती है मेरी, बेटी जब से पास की आई है। उसका बाप हूं मैं, उसके बारे में मेरा जानना फर्ज है कि नहीं, है कि नहीं? ये आदमी जो चक्कर लगाता है फ्लैट नंबर 104 में। वाह वफा, इस बार बड़ा तगड़ा मुर्गा फंसाया तूने। अब तो देख अपने बाप को कैसे तेरी लगाम लगाते। जी आप, आपको कुछ चाहिए? बस तुम्हारा साथ। बोलो दोगे ना मेरे साथ? जी। नाश्ता मैं बाहर से ले आता हूँ, बस तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? सुने ना, सुने ना। जी मम्मी, कुछ कहा आपने? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आज से पहले कभी तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की या झूठ बोलने की जरूरत पेश आई तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? बता दो बेटा, शेयर कर लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बताओ। पता नहीं मम्मी, मुझे आपसे ही बात कहनी चाहिए है ना, पर दिल कहता है कि बताना जरूरी है। मम्मी काफी दिन से असद मेरे साथ बहुत उखड़े उखड़े, मेरी हर बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। मैं बात कुछ करती हूँ, जवाब कुछ और देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, उनके रवैये में ये बदलाव। सच पूछो तो तब्दीली तो मैं भी महसूस कर रही हूँ। पहले रोज सुबह मेरे कमरे में आके सबसे पहले मेरे पैर दबाता था और अब कमरे में झांकता तक नहीं। कोई वजह तो है। पर क्या वजह हो सकती है मम्मी? आने दो उसे, आज मैं उससे बात करूंगी। मैं पूछूंगी उससे कि ये क्या तरीका है, बीवी से ऐसा सुलूक क्यों? नहीं नहीं मम्मी, प्लीज आप असद से कोई बात ना कीजिएगा, बिना वजह बात बढ़ जाएगी और असद को लगेगा कि मैं आपसे उनकी शिकायतें करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो। असद को बताना ही पड़ेगा कि इसकी वजह है क्या। क्यों आए हो? देखने आया हूं,
रिश्तों को बेचकर अमीर होने वाले लोग कैसे दिखते हैं। क्या बात है, बड़ी हमदर्दियां जाग रही हैं रीबा के लिए। कहीं मैंने तुम्हारे अरमानों में पानी तो नहीं फेर दिया जो तुम्हारा दिल निकल के हलक में आ गया। बड़े अरमान के साथ हरीबा को आपके पास छोड़ कर गया था। आखिर कौन अपनी बहन के साथ ऐसा करता है पापा जी? क्यों किया आपने? क्योंकि उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। वो वक्त जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है ना, कोई मुझसे पूछे मैंने कैसे गुजारा है। बड़ा खुश हो रही थी तब वो, और आज मैं बहुत खुश हूं। आज के बाद अल्लाह आपको हमेशा हमेशा खुशी रखे। मुझे ना तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। हाँ, भला अगर करना चाहते हो तो अपने लिए कर लेना, क्योंकि अरीबा इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें बद्दुआएं दे रही होगी। इसलिए यहां से घर जाने के बाद ना अपने लिए मगफिरत की दुआ मांग लेना। नौशाबाश, आउट।